जयपुर के आदर्श नगर में विश्व जागृति मंच पर शक्ति फिल्म प्रोडक्शन और राहत आदि शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में स्त्री अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर अंबालिका शास्त्री व एडवोकेट रुचि सेट्टी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक महिला की पहचान उसके खुद के नाम से होनी चाहिए, न कि उसकी बेटी, बहन, पत्नी, माँ बहू से। ये सभी रिश्ते जिंदगी हैं, लेकिन एक महिला का खुद से भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, तभी वह महिला सही मायने में सशक्त हो सकती है। सशक्त महिला सिर्फ रुपया पैसा कमाने वाली नहीं होती, बल्कि वो हर महिला होती है जो गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखती है, अपने हुनर, अपने शौक को पहचान देती है। वहीं साइबर सेल एक्सपर्ट पूनम चौधरी ने महिलाओं को इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध एवं बचाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही महिलाओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराध और हैकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं महिला थाना पश्चिम इंचार्ज सरोज मीना ने भी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही सभी महिलाओं ने अपने संघर्ष की कहानी को साझा किया। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी महिला से रूबरू कराने जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। हम बात कर रहे हैं शिल्पी की। उन्होंने नवतेज मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि शादी के 2 साल बाद 2016 में उनका एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उस एक्सीडेंट से उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। एक्सीडेंट के बाद वेदांता में 3 साल उनका इलाज चला। शिल्पी ने आगे बताया कि उनकी हॉबी डांस करना थी। हर स्कूल कंपटीशन में उन्होंने ट्रॉफी जीती। वो बताती है कि एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने अपने पैर को छुआ तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। 2 दिन बाद पैर टच करने के बाद पता चला कि उन्होंने अपना पैर खो दिया। फिर भी हार न मानते हुए ठीक होने के बाद लाइफ इंश्योरेंस का एग्जाम क्लियर किया। आज वो LIC में जॉब कर रही हैं। साथ ही करिश्मा चौहान ने बताया कि वो बैंक प्रोफेसर है। इस संस्थान के साथ जुड़ी हुई और यह संस्थान महिलाओं व गरीबों के लिए काम करता है। कोई महिला तब तक हार नहीं सकती जब तक वो खुद हार न मान ले। देश में शिल्पी जैसी और भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इस समारोह में महिलाओं के संघर्ष को सलाम करते हुए स्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये मेरा एक ड्रीम था कि हाँ मुझे भी बुलाया जाए कहीं पर, ट्रॉफी अवार्ड वगैरह मुझे मिले, तो ये सब सपना सच होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं मुझे ट्रॉफी मिली है, पहले भी जब LIC भी लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी में जॉब करती हूँ, मुझे वहाँ भी मिली है ट्रॉफी, बट यहाँ पे रुचि मैम ने किया है इनवाइट, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ। जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट में मैंने अपना पैर खो दिया एक राइट। मेरा छोटा बच्चा है 1.5 साल का, बच्चा है छोटा मेरा 1.5 साल का, और मेरे हस्बैंड हैं इनकम टैक्स में। तो मैंने जो लाइफ जी है अपनी, बहुत मतलब हिम्मत करके, एक पैर खोने के बाद कैसा लगता है आप सब जानते होंगे, सभी जानते होंगे। एक पैर जब चला जाए, वो यंग एज में अगर आपका एक पैर चला जाए तो क्या हालत होती है। बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि मेरा एक पैर चला गया। मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही हूँ, अपने जीवन को बहुत अच्छे से मस्त होके एकदम जी रही हूँ, खुशी खुशी एकदम हैप्पीनेस होके। मुझे बहुत ही ये लाइफ जीने में मुझे अब कहा तो क्या जाए, बट जब से पैर खोया है, मैं डांसर थी, डांसिंग का मुझे बहुत शौक था। डांस अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ डांस बहुत ही मस्त होके करती हूँ। और अब मैं अपने पैर के बारे में नहीं सोचती हूँ, इसलिए नहीं सोचती कि जो चीज़ चली गई वो वापस नहीं आनी है, तो उसे सोच के क्या फ़ायदा है। तो इससे अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से जीऊँ। और बार बार जीवन दान नहीं मिलता है, भगवान ने मुझे नया जीवन दान दिया है, ये मेरे लिए बहुत ही मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान ने इतना सोचा मेरे लिए। अगर ये होता तो मेरा लेफ्ट लेग भी मेरा चला जाता, ये चला जाता तो मेरी लाइफ एकदम ख़त्म हो जाती, बट राइट लेग गया। और मैं बहुत ही अभी भी बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा पैर गया तो मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ को जी रही हूँ, बहुत अच्छे से जी रही हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से मेरी मदर को और जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबको, थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि आगे और भी हम लोगों को या यहाँ पे जितने भी अवार्डीज़ हैं इनको देख के और भी लेडीज़ इंकरेज हों। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी एंड में कि आपको कोई भी जब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद ये नहीं मान ले कि मैं हार गई हूँ। आपको सिर्फ एक ही और एक ही इंसान है जो हरा सकता है, वो हो आप खुद। अगर आप ये मान लोगे कि मैं नहीं हारी हूँ तो आप संघर्ष करते रहोगे और आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप लाइफ में कब आगे बढ़ जाओगे और खुद एक मॉरल बन जाओगे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।